What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. दिल्ली में कल से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का मौसम है। रात भर बारिश हुई है। अभी का मौसम कुछ ऐसा है और ठंडी हवा है और ठंड भी बढ़ गई है। देखिए गाइस, मौसम बादल कितने ज्यादा हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बादल है और कभी भी बारिश हो सकती है। मगर हमें निकलना है अभी हॉस्पिटल के लिए। रिंकू की रिपोर्ट्स मिलनी है। तो रिंकू हाय। हाँ, तो आप तैयार हो गई? हाँ। तो अभी फटाफट निकले फिर। हाँ। ही पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई हो रही है। तो जिम्मी जिम्मी बैठी हुई है, मुझे देख रही है। आप लोगों को हाय बोल रही है। गाइस हाय 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 बोल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑफिशियल माही ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं रिंकू को लेके गया था हॉस्पिटल। उनके कुछ ब्लड टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट थे, तो वो टेस्ट आज मिलने हैं। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं और डॉक्टर को भी दिखाना है। तो मिलते हैं हॉस्पिटल में। तो गाइस, हर जगह पानी भरा हुआ है, देख लीजिए। कल काफी बारिश हुई थी। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आपको शायद समझ में आ रहा हो। One hour later. क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं मिली? नहीं। कौन सी रिपोर्ट नहीं? वो ब्लड वाली। हाँ। फ्लोर पे जाना है। चलो आप बैठो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, एक रिपोर्ट नहीं आई है रिंकू की, वो मैं लेने जा रहा हूँ ऊपर। फोर्थ फ्लोर पे मिलेगी। फोर्थ फ्लोर ये रहा। One hour later. तो गाइस, मैं बहुत देर से बाहर बैठा हुआ हूँ। अंदर मैं हॉस्पिटल के था तो मुझे ना कुछ घबराहट सी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर ही निकले आया हूँ और हॉस्पिटल के बाहर बैठा हो। और रिंकू को फ़ोन कर दिया कि अगर चेकअप हो जाए तो तुम बाहर आ जाना, मुझे कुछ घबराहट हो रही है। तो मैं काफ़ी देर से, करीब एक घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए। अभी देखते हैं कि रिंकू आती है। रिंकू आ गई है, मुझे मैंने देख लिया रिंकू को और अभी हाय कराया। ये आ रही है रिंकू। तो मुझे लग रहा है कि सारे टेस्ट हो चुके हैं, चेकअप भी हो चुका है, जल्दी से आ जा रिंकू। भूख भी लग रही है, अभी घर पर जाएंगे। घर से पहले अभी हमें डिस्पेंसरी जाना है दवाई लेने के लिए। तो रिंकू बड़ी मायूस सी लग रही है, टेस्ट में कुछ गड़बड़ आया, क्या हुआ है? घर पे चीनू भी आई हुई है। हाय गाइस। चीनू भी इसीलिए आई थी कि वो पूछे अपनी भाभी की तबीयत की, वहाँ हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक था। तो अभी चाय बनेगी तो सब लोग बैठेंगे, फिर बात करते हैं आपसे। अभी रिंकू चाय बना रही है और हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि रिंकू जब हॉस्पिटल से आई थी तो उनका कुछ चेहरा उतरा हुआ था,
तो अभी मैंने भी नहीं पूछा उनसे कि क्या बात थी, बाकी रिपोर्ट सब सही आई है। हैं उनसे बात करेंगे कि रिपोर्ट में क्या है, वो क्यों टेंस थी। तो अभी वो चाय बना रही है, अभी चाय लेके आएंगी वो, बात करते हैं उनसे। चाय तैयार गरम गरम। आ जाओ चीनू चाय पीते हैं। तो गाइस चाय आ चुकी है और ये रही रिंकू, माही पीछे से कुछ कर रही है, और जिम्मी चाय पीनी है। जिम्मी जिम्मी चाय पियोगे? चाय पीनी है जिम्मी? जिम्मी नहीं पीनी है। चाय पी ली है, थोड़ी सी गर्मी आ गई है, अब थोड़ा सा कंबल में बैठ जाते हैं। तो रिंकू आप जब हॉस्पिटल से निकली थी तो आप टेंशन में क्यों थी? ना मेरे को भी अल्ट्रासाउंड होने बाकी है मेरा। अच्छा 14 तारीख को गाइस अल्ट्रासाउंड होना है, तो रिंकू इसलिए टेंशन में है कि जो 14 तारीख को अल्ट्रासाउंड होना है उसके लिए अभी से परेशान होना है। गाइस देखते हैं माही ने हमारे जाने के बाद क्या क्या करा था, उसे पूछते हैं माही से। और माही बताइए आपने हमारे जाने के बाद क्या क्या करा था? मामा जी आपके जाने के बाद मैंने 1 घंटा पढ़ाई करी थी। पढ़ाई करने के बाद जिम्मी को खाना खिलाया था, खाना खिलाने के बाद पानी भरा था, पानी भरने के बाद जब भी भूख लग रही थी फिर मैंने भी खाना खाया था। और फिर आपको फ़ोन किया था कि आप कब आओगे, अभी तक आप आए नहीं थे। तो आपको फ़ोन करने के बाद मैं कोचिंग का टाइम हो गया था, फिर कोचिंग गई, फिर आप मैं आई तो आप घर पे थे। हेलो गाय जी, आप कुछ ज़्यादा ही मस्ती चल रही है। चावल कब बनेंगे गाइस? गाइस बनाएंगे नमकीन चावल। गाइस कब बनाओगे नमकीन चावल? तो गाइस मेरे को आपके हाथों से खाना है।